हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रोल्स किचन। आज हम बनाएंगे नमकीन चूड़ा जो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए पतला वाला पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली दाना, सूखा हुआ नारियल ये लंबाई में कटा हुआ, ये चने की दाल है भुनी हुई जो कि रोस्टेड होती है, रोस्टेड चने की दाल, धनिया, खड़ी धनिया, हरी मिर्च है जो कि मैंने कुछ मिर्चें ऐसे बीस से काट करके और कुछ बारीक कटी हुई ली हैं, करी पत्ता, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ये पोहा डाल देंगे और जो फ्लेम रहेगी गैस की वो एकदम लो रहेगी। हमें इसे हल्का सा सुखाना है, इसमें जो नमी होती है ना उसे सुखाना है। बहुत तेज़ आंच में करेंगे तो ये पोहे जैसे पतले पतले ऐसे चौड़े दिख रहे हैं सिकुड़ जाएंगे। तो हमें इसे बहुत ही धीमी आंच में धीरे धीरे करके हल्के हाथ से ऐसे पलट पलट करके थोड़ी देर पकाना है। ये देखिए अभी इसमें से आवाज़ आने लगी, इसे क्रिस्पी हो गए हैं। इन्हें मैंने ऐसे ही करके बहुत ही धीमी आंच में भुना है क्योंकि आप इसे जैसे ही तेज करोगे ना तो ये सिकुड़ने लगेंगे। देखिए पोहे ऐसे हैं। तो अभी हम थोड़ा ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने पोहे निकाल लिए हैं, कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। इसमें सबसे पहले हम मूंगफली फ्राई करके निकालेंगे। मूंगफली को अच्छे से हमें तल करके हल्का ब्राउन करना है। ये मूंगफली भून करके देखिए रेडी हो गई है, अब इसे हम निकाल देते हैं। मूंगफली हमने निकाल दी, अब हम कॉर्नफ्लेक्स इसमें तलेंगे, थोड़ा थोड़ा तल के डालेंगे। हम लास्ट में ये चना दाल भी इसमें भून लेंगे हल्का। ये हमने कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली और चने की दाल तल करके हमने बाहर निकाल दी है। कढ़ाई से हमने सारा तेल निकाल लिया है, सिर्फ इसमें 2 चम्मच तेल है। इसमें सबसे पहले हम नारियल डालेंगे, इसको हल्का भूनेंगे। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब तेल में हम करी पत्ता डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, धनिया, इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। ये देखिए अच्छा क्रिस्पी हो गया है। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालने के बाद में हम ये थोड़ा अमचूर पाउडर डालेंगे और थोड़ा बचाएंगे। उसके बाद में थोड़ा नमक डालेंगे, डाल के इसे मिक्स करेंगे। गैस हमने बंद कर दी है। अब इसमें जो चूड़ा हमने भून करके रखा है वो इसमें पलट देंगे, इसे हल्के हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। हमने मिला दिया, अभी जो हमने हल्दी और बचाई थी वो इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके ही मिलाएंगे ताकि कलर पूरे पोहे में अच्छे से फैल जाए। ये हमने गैस बंद करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए बहुत ही आराम से मिक्स किया है, पोहे ऐसे मुड़े नहीं हैं। अब इन्हें हम एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। पोहा हमने बड़े बर्तन में निकाल दिया है। अब इसमें हमने जो ये सब फ्राई करके रखा हुआ था, कॉर्नफ्लेक्स, मूंगफली, चना दाल, ये इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, अमचूर पाउडर जो हमने बचाया था वो ऐड करेंगे। कुछ लोग इसमें शक्कर भी डालते हैं, आप चाहें तो हल्का शक्कर डाल सकते हैं। मुझे ये चटपटे ऐसे ही पसंद हैं इसलिए मैंने इसमें शक्कर ऐड नहीं की है। इसे अच्छे से हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा चूड़ा बन करके तैयार है, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है, टेस्टी बना हुआ है। इसके जो चूड़े के जो दाने हैं वो भी ऐसे बहुत ऐसे टूट करके या सिकुड़ करके नहीं आए हैं। बस इसे एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ही धीमी आंच में इसे भूनना है कढ़ाई पे, और जैसे अगर आपको कढ़ाई गर्म लगने लगे बहुत तो बंद कर दीजिए फ्लेम और उसे हाथ से थोड़ा हल्के हाथ से हिलाते हुए भूनिए।
और अगर आपके घर में धूप अवेलेबल है तो आप धूप में इसे सुखा करके बनाइए। ये हमारा नमकीन चिवड़ा बनकर के तैयार है, इसे खाइए और एंजॉय कीजिए। अपने फीडबैक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट रेसिपी के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू, बाय।